अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूँ उम्मीद सुफियान और ये है आपकी 7th क्लास की मैथ्स की बुक, जिसमें आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी सच एस ए बी 6 सेंटीमीटर और बी सी और ए सी, यानी बी सी से लेके और ए सी, ये दोनों लाइनें 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है। और आगे हमें दिया गया है कि नेम द ट्रायंगल एज फॉर्म्ड विद रिस्पेक्ट ऑफ इट्स साइड्स। तो आइए सॉल्व करते हैं। और बेटा, इसमें जब ट्रायंगल बन जाए तो वो कौन सा ट्रायंगल बनेगा उसका नाम भी हमने लिखना है। बेटा 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। ए बी, तो ये लाइन है 6 सेंटीमीटर। बी और सी 5 सेंटीमीटर है। ये बी से लेके सी आर्क लगाएं, और यहाँ भी ए और सी, ये भी 5 सेंटीमीटर है, वो आर्क लगाएं, पॉइंट लगाएं अपनी आसानी के लिए, ताकि लाइन आसानी से ड्रॉ हो सके। तो हमारा ट्रायंगल बन गया है ए बी 6 सेंटीमीटर, बी और सी 5 सेंटीमीटर, और सी और ए, ये भी 5 सेंटीमीटर है। ये तो बच्चों ट्रायंगल कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ हमने इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है। नंबर 1 पॉइंट में आपने लिखना है ड्रा लाइन ए बी 6 सेंटीमीटर, ये आपने स्केल से जो है लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर 2 पॉइंट में लिखना है प्लेस पॉइंटर ऑफ कंपास ऑन पॉइंट 1 एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर। तीसरा पॉइंट लिखें, प्लेस पॉइंटर ऑफ कंपास और पॉइंट बी एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर। चौथा पॉइंट इसका लिखें, जॉइंट ए एंड सी, यानी ए एंड सी एंड बी एंड टू सी विच इज़ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। और इसे अभी कौन सा ट्राइंगल बन गया है, आइसोसेलिस ट्राइंगल। अब आइसोसेलिस ट्राइंगल कौन सा होता है, अ ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल इन मेजर इज कॉल्ड एन आइसोसेलिस ट्राइंगल। इनकी दो साइड्स जिस ट्राइंगल की बराबर हों उसको आइसोसेलिस ट्राइंगल कहा जाता है। आप यहाँ पर आइसोसेलिस ट्राइंगल नेम भी लिख लें। जी तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है।